शतगुर्जय गुरुदेव नाम किसका शतगुरु स्वामी मेरे नामी है शतगुरु स्वामी मेरे नामी है ये ही तो पुरुष नामी है ये ही तो पुरुष नामी है वक्त के मालिक करता घट में दया उमगानी अंतर घट में दया उमगानी करुणा की देवी मुस्कानी करुणा की देवी मुस्कानी तन मन मंगन सब प्राणी तन मन शतगुरु ही पुरुष नामी है शतगुरु ही पुरुष नामी है संतान महिमा बहुत है न्यारी संतान महिमा बहुत है न्यारी हर क्षण खिलती है फुलवारी हर क्षण शतगुरु तो पुरुष नामी है शतगुरु तो पुरुष नामी है राम नमामि श्याम प्रणामी राम नमामि श्याम प्रणामी जय बोलो क्या सिंधु दया कर दीना दया सिंधु दया कर
अपने सतगुरु लीना, चरणन अपने सतगुरु लीना। सतगुरु जो बतलाते हैं हम सतनामी हैं, आध्यात्मिक भेद वाले हैं, आध्यात्मिक रसाई को प्राप्त करने वाले सतगुरु के संगी हैं, इसीलिए हम लोगों को सत्संगी कहा जाता है। तो हम क्या हैं? सत्संगी, सत्य के संगी। पर समाज में, देश दुनिया में हर जगह आपके आचार विचार उसी प्रकार के होने चाहिए, जिससे तुम्हें लोग सत्संगी समझें। ये नहीं कि सत्संग में गए तो सत्संगी और घर में आ गए तो वहां बहुजंगी, बहुजंगी और बहुरंगी, और सत्संग में पहुंचे शाकाहारी वर्दी पहन लिया तो सत्संगी। कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी जाते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक तो कभी रहा नहीं, आप कहीं भी जाते हो तो सत्संगी। ये नहीं कि सत्संगी आप न बन सको, कोई दुनियादार मिले अरे तुम्हारे हो जय गुरुदेव वाले सत्संगी है कि क्या है क्या नहीं। मैंने एक दो बार सुना है ट्रेन में, क्या वो फला जगह के हैं, वो तो इस तरह उनका भैया कोई नौकर चाकर होगा, पहन लिया होगा, गुरु महाराज का नाम धानी नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रेमियों सर्वदा अपने मालिक के प्रति वफादार रहते हुए अपने स्वामी का भजन करना चाहिए। इस देश में हैं तो इस देश के नामी का सम्मान करना चाहिए, माता रानी का सम्मान करना चाहिए, श्रद्धा से सदगुरु का नाम लेकर के सबको शीश झुकाना चाहिए। हम सबसे छोटे हैं और यही समझना चाहिए कि हम छोटे छोटे भी हैं, दीनहीन गरीब हैं। अगर आपने सोच लिया कि हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है तो रात में नींद नहीं आई, क्योंकि आप तो इतने अमीर हो गए हैं कि आपके यहाँ सब कुछ इधर उधर पड़ा है, सोना चांदी हीरे मोती, तो रात में नींद कहाँ आएगी, कोई चोर ना आ जाए भैया लेकर के इधर से शुरू हो जाए उधर से सटक जाए, तो बात चोर की आ गया। ये जो नाम जड़ी है ये ना कांटे से कटती है और ना ही कहीं खिसकती है, इस नाम जड़ी से रगड़ाई होती है, यहाँ अंतर घाट पर रगड़ाई होती है और इससे चमक पैदा होती है। रगड़ाई अंतर की अध्यात्मवाद की चमक पैदा होती है। तो प्रेमियों नाम मड़ी जिन जिन ने पायो, नाम मड़ी जिन जिन ने पायो, सतगुरु नाम की महिमा गायो, सतगुरु नाम की महिमा गायो। ये नाम जड़ी, नाम रतन धन, नाम दान जिस जिस ने पाया और जिसे प्राप्त हुआ, जिसका पघट पट खुला, जिसके सदगुरु समरत रहे उसने गाया। अब तक का इतिहास है उसने गाया छुपाया नहीं, दादू दरिया भीखा पलटू सबने गाया, चरणदास धर्मदास सबने गाए। तो नाम जड़ी जिसको मिले,
जैसे चमक प्रकट हुई, और जब तक हजम करने का डोज रहा तब तक तो हजम किया, हजम किया, हजम किया, हजम किया। ये प्रेमियों एक था भक्त, तो महात्मा जी के यहाँ रहा करता था, तो महात्मा जी के यहाँ रहा करता था। तो एक दिन की बात है, रोज वो खोए में जो है और मलाई में जो है हल्का फुल्का उसको मिल जाता था, जब कढ़ाई खाली हो तो सबको मिल जाए, उसे भी थोड़ा सा मिलता था, मतलब कि बच जाए थोड़ा सा, और जो कढ़ाई में लगा रहता था तो कहा बाबा सिर तो नहीं, तो हाँ बच्चा सिर तुम्हें, सिर तुम्हें सुपर हो जाए, तो उसमें खुरच खरच के खाता तो उसे बड़ा आनंद आता। तो हे भगवान, ये महात्मा जी के तोंद इतनी लंबी निकली बा, अगर हमें सिर तक मिल जा 10-5 दिन तब तो कुशल ही रहा। और महात्मा जी कहीं थोड़ा सा और प्रसाद में वो बढ़ता था भगवान जी के, रोज लगे रहे, रोज लगे रहे। एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो गई, प्रेमियों प्रेमी आए बहुत कम, तो अब धीरे धीरे जब बटा तो लगभग 2 किलो के लगभग वो रह गया। जब 2 किलो के लगभग वो रह गया तो कहा आज महाराज जी से पूछे, अगर कहते तो कहा बच्चा इनको थोड़ा थोड़ा गायों को गऊओं को खिला देना, और थोड़ा सा जितना लेते हो उतना ले लेना। कहा महाराज फिर करहवा सिरित लें, तो कहा करही कड़ाही जो सिरत लेना। अब कड़ाही सुरके के चक्कर में वो देख रहे हैं जबान से पानी टपक रहा टप टप, कि कब मारे कब मारे। बस जैसे महाराज जी अंदर गए, कड़ाही वड़ाही क्या गाय को इधर उधर झूठू मूठू छिड़का, अंदर आने दे आने दे आने दे, पूरा सिरत गए। जब पूरा सिरत गए ठुसम ठुस, तो ना सांस ऊपर की जाए ना नीचे की आवे। हाय राम, तो कहा हाय राम। अब चिल्ला रहे कड़ाही भी कोई नहीं सिरत रहा, मतलब मल रहा है। अब हाय राम की रट लगी, पहले तो खाए थोड़ा इधर उधर, खा गए इतना। तब महाराज जी ने सुना कौन कह रहा हाय राम, क्या हो गया भाई। महाराज जी झपट के आए, देखा तो कहा रामचेलवा क्या हुआ। अरे कहा महाराज सिर तिरिया पूरा पूरा है, किसी गौ माता को नहीं, जवान जोर लबलबा रही थी टपटपा रही थी, इसीलिए हम सारा खा गए। तो कहा भोगेगा कौन, कहा इसमें था क्या, कहा सबके कर्म कर जिए। अब पता नहीं किसने किस भाव से चढ़ाया, कोढ़ ठीक हो जाए, हारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वो मर। तो बच्चा अब तुमने सिरता है तो तुम भी रात भर सिर तो मरोगे तो नहीं, थोड़ा ये गोली ले लो। अब थोड़ा से गोली दिया तो आराम हो गया, लेकिन अब वो पेट में कोच रहा हाय राम हाय राम हाय राम की रट में वो इधर उधर उछलते कूदते रहे, पेट पकड़े रहे। सुबह तक कुछ उस गोली ने काम किया, भाई गोली है धीरे धीरे पचाएगी काम करेगी, तो कुछ आराम फिर सुए। तो बाकी फिर सुए तो कहा रामचेलवा दूसरा दिन आया कि तो कढ़ाई वढ़ाई धो देना जो कुछ हो सिर। अरे कहा नहीं महाराज, हमें तो सिर नहीं नहीं बिल्कुल, कढ़ाई धो देंगे कहिए तो जहां डाल दे, लेकिन हमको इसको नहीं सिरतना। अब हम सिरतने से बिल्कुल भाज आ गए। अरे किसी तरह तो हमारी जान बच गई है, आपकी दुआ से जो गोली दिया था किसी तरह आराम हुआ है, तो आज के बाद हम इसको सिरतेंगे नहीं। हम जान गए कि यह सिरतना कितना खतरनाक होता है। लेकिन प्रेमियों, जैसे सिरतने की लताएं पड़ जाए, सिरतते रहो सिरतते रहो सिरतते रहो, तो कितना सिरतोगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई करेगा। मेरे ऊपर भी लागू होता है, कहीं अगर पकौड़ी वकौड़ी देखा पानी आ गया, क्या भाई जल्दी सर पान मार दो, प्रधान जी कम खाएंगे हम ज्यादा खाएंगे। यहाँ कोई प्रधान नहीं, एक पदवी बता रहे हैं। तो प्रेमियों,
ये जो नाम जड़ी है इसको लेकर के उसके घटपट खुले और उसने गाया, अधर बेल में चढ़ी सूरतिया, अधर बेल में चढ़ी सूरतिया, देखे सतगुरु जी की मूरतिया, देखे सतगुरु जी की मूरतिया, राम राम अधर वेल में, उधर अंदर में आकाश में गगन में आध्यात्मवाद की शक्ति से ध्यान योग साधना में भजन योग साधना में चढ़ गए। अब वहां देख रहे तो सदगुरु जी बैठे हैं बिल्कुल चमाचम, किसी प्रकार का कोई खरोच नहीं, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, कोई मिलौनी मैलाई नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, एकदम चमाचम। तो कहते हैं अरे स्वामी जी महाराज, आप राधा स्वामी कहती हो, राम नमामी कहती हो, वो कौन से राम जी हैं, ये वाले हैं ये वाले हैं, आप ही बता दो कौन से राम जी हैं। तो गुरु महाराज बताते भाई ये प्रभु राम जी, ये राधा स्वामी हैं और ये मैं हूँ। गुरु महाराज वहां तो तुम्हारे फकोले निकले थे, तमाम छाले वाले पड़े थे, अट्टी पट्टी बांधे थे, यहाँ क्यों नहीं पट्टी अट्टी बांधे हो। तो कहा बच्चों ये अंदर का मामला है, वो बाहर का मामला है, बाहर जो तुमने दिया था उसकी मैंने पट्टी बांध के रखा है, उसको मैं भुगत रहा हूँ, अंदर में कोई भुगतान नहीं, यहाँ तो 24 घंटे अनाहत वाणी अनाहत शब्द हो रहा है, यहाँ वो चीज आती ही नहीं है। तो यहां आती नहीं तो हमें कोई दुख दिक्कत होती नहीं। प्रभु राम तरनयन बिराजे, प्रभु राम तरनयन बिराजे, घंटा शंख यंत्र घट बाजे, घंटा शंख यंत्र घट बाजे। अरे बच्चा 24 घंटे राम सामने ने विराजमान रहते हैं। जैसे हनुमान जी से किसी ने कहा अरे क्या तुम राम राम करते, तुम्हारे अंदर राम है क्या? तो कहा हाँ, उनके पास सामर्थ्यता थी, उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया, राम सीता उनके अंदर में बैठे। वैसे 24 घंटे वहां राम भी रहते ही रहते, 24 घंटे। अगर प्रेम लू हम खेतौरा गए, खेतौरा में गुरु महाराज को जब जब सुन लेते थे, गुरु महाराज आ गए तब तक फौरन चड्डी पहने तो उसी चड्डी और लुंगी में चले गए, पहुंच गए, जो भी पैसा रहा कपड़ा छाटा धोया हुआ कोई बात नहीं, जैसे वैसे। शाम को गाड़ी जब तक सूचना आती तब तक शाम हो जाती, इधर से पैसेंजर उधर पैसेंजर, भरतना भरतना से खेतौरा। अब खेतौरा में गुरु महाराज वो बैठे हुए हैं, दूर से इनकी सेवा हो रही, ये सेवा हो रही, वो सेवा हो रही, वो सेवा हो रही, तो ईंट तो उधर पकड़ाते और दिमाग उधर ही रहता गुरु महाराज की तरह, ईंट इधर पकड़ाते देखते उधर ही रहते, चाहे किसी के हाथे गिर जाता पर गिरता किसी का नहीं था, उधर से पकड़े इधर पकड़ा दिया, उसने पकड़ दिया, उसकी भी यही गति, सबकी गति एक ही समान रहती। अब सबकी गति एक समान रहती थी और वहां जो डंडे वाले रहते थे यार, गुरु महाराज ने तो कभी भैया 500 का नोट मांगा ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं कि उन्होंने 500 का नोट मांगा, जो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया वो अपना गुरु महाराज के सामने रखा, प्रणाम किया, रुपए से तो गुरु खरीदा जा नहीं सकता, वो तो श्रद्धा भाव से सारा काम होता है। अब श्रद्धा भाव से जब काम होगा तभी कोई काम होगा। तो प्रेमियो सतगुरु जहां बैठे वहां राम भी बैठे हुए हैं, अब राम भी बैठे हुए हैं,
श्याम भी बैठे हुए हैं, राधा स्वामी भी हैं और पुरुषानामी भी हैं। तो अब सब चीजें हैं वहां। अब वहां कोई हारी बीमारी तो है नहीं। आपने रामावतार में कभी नहीं सुना होगा कि राम जी को कोई बाण लगा हो, या राम जी को कोई घाव या छाला लगा हो, या राम जी को कोई बीमारी नहीं हुई। सुना है क्या? राम तो राम राम है प्यारे, राम तो राम राम है प्यारे, घंटा शंख घटाओ जियारे, घंटा शंख घटाओ जियारे। राम तो प्यारे रानी है, साथ ही साथ जो घंटा शंख बज रहा है, दे धना धन दे धना धन दे धना, वैसे हम तीन चार जगह गए हैं अभी। शायद किसी प्रेमी ने यहाँ राम जन्म भूमि पे घंटा दान किया है, अभी लगेगा तो भी बजेगा, उसकी कई किलोमीटर तक आवाज जाएगी। वैसे महाहर धाम में लगा हुआ है घंटा, एक बार मारो टन तो हो बड़ी मंत्र मुग्ध आवाज निकलती है कि घंटा तंख एक साथ ही बज रहा है। ऐसे एक जगह 52 बीघे का तालाब है आजमगढ़ में, हमारे प्रधान जी थे वहां गए, वहां भी मारा टन, गुरु महाराज का कुछ पता ही नहीं। बताते गुरुए महाराज थे कि वहां फला चीज है, पहुंचो। जब वहां पहुंचते तो कहीं घंटा मिलता, तो कहीं क्या मिलता, तो कहीं बरगद का पेड़ मिलता, वह स्थान मिलता, अपना गोल हो जाते। पर पीछा नहीं छोड़ेंगे प्रेमियों, चिंता मत करो, वो जहां बताएंगे हम वहां जाएंगे, कोई बात नहीं। स्थान तो वो मिलता है, वहां की चरण धूली जो भी होगी प्रभु की, मालिक की, सदगुरु को, उसको तो माथे चढ़ाते हैं, वहां शीश झुकाते हैं, बैठ करके थोड़ा भजन भी करते हैं। मिलता तो है, यहां तो हिंदुस्तान में कहने वाले बुरा जरूर लगेगा प्रेम, कहने वाले जिंदा हाजिर नाजिर मानने वालों की कोई कमी नहीं, इतना तो मुर्दाबाद की संगत नहीं। जो जीवित की संख्या है वो उन लोगों की संख्या विचार होती नहीं। जीवित की इतनी जनसंख्या है, पर एक सुर्रा चुन लिया, बस वो सुर्रा उनके हाथ 10-5 मिर्च मसाला लगा करके चालू हो जाए, पर एक दूसरे से कोई भी मिलना पसंद नहीं करते। हम जाएंगे तो कहेंगे अरे अयोध्या वाले गुप्ता जी आए हैं, जरा ये भी कुछ बोलना कहना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए अगर बोले तो, पर ऐसे बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कहीं उनकी जो है बपौती है जो भाग न जाए। अरे हमारे गुरु भाई हैं, प्रेमी हैं, हम तो गुरु की ही बात बताएंगे, कोई दूसरा नहीं। पर यहाँ वाला नहीं, उनकी मत सुनना, वो सच्चुग वाले, उनकी मत सुनना, वो कलयुग वाले, उनकी मत सुनना, वो वहां वाले, अरे सब गुरु महाराज वाली। लेकिन अब वाले का टैग लग गया। बहुत लोग सोचते हैं कि मथुरा नहीं जाते, जब अंतर में आदेश है, मैं किसी को मना नहीं करता, केवल मेरे लिए, मेरे एक अकेले के लिए आदेश है कोई कि इस काम को तब करोगे जब ये काम पूरा हो जाएगा, तो हम उस काम के लिए लगे हुए हैं कि जब वो काम पूरा हो जाएगा तो हम भी मथुरा चरण गुरु दादा महाराज के मंदिर में अपने गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। और रोज तो हम ऐसे मत्था यहीं से टेक लेते हैं, यहीं से नमन करते हैं उसको, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी मन करता है कि हम भी जाएं। ऐसा थोड़ी कि हमारा मन नहीं करता, हमें किसी को डर वर नहीं लगता, हम किसी को बता करके थोड़ी जाएंगे। और जब उनका आदेश होगा, गए मत्था टेका, चले आए, रोटी बाटी तो अपने पास आई है, कौन सा हलवा पूड़ी मुआल पुआ खाना है कि जो है बिना उसके खाए हमारा काम नहीं बनेगा। तो प्रेमियों कमियां बहुत बड़ी। अब स्वामी जी महाराज के आने पर वो कमियां दूर होंगी,
अथवा गिने चुने जो मोती हैं, जो उनके हीरे हैं, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, लूट सके तो मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। तो राम नाम के हीरे मोती तो खूब गुरु महाराज ने लुटाया, अब उसको लूटा किस किसने? जिसने लूटा होगा वो हीरे, तो हीरा तो चमकता है, चमकता है कि नहीं चमकता भाई? चमकता है, प्रकाश होता है, मोती में भी चमक होती होगी। हीरे और मोती की बात है, तो हीरे मोती लूटने वाले वो कहां, उनको इकट्ठा करेंगे, और जिन्होंने लूटा ही नहीं या लूट करके गायब कर दिया, फेंक दिया, उनसे कोई मतलब नहीं, तो उन्हीं को ढूंढा जा रहा है और उन्हीं को ढूंढेंगे। मैं कई संगतों में कई जगह गया और कई जगह देखा, हमारे प्रेमी भी गए, जिन्हें बुलाया गया जहां से वहां कोई ना कोई पहुंचा, लेकिन वो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कहीं गुप्ता जी कुछ बोल देंगे, कह देंगे, और इनके यहां अनुभव होता शायद यहां भी आंख खुल गई तो हमारा दरबार उजड़ जाएगा। प्रेमियों, दरबार तो तुम्हारा एक दिन ना एक दिन उजड़ ही जाएगा, और ये मेरा कोई दरबार नहीं है तो सत्यनामी दरबार सदगुरु का, प्रभु राम का है। एक दिन मेरा भी ये शरीर उजड़ ही जाएगा, आप सबका भी उजड़ जाएगा, और सोचना किसी ना किसी तरीके से कानों में भनक किसी ना किसी तरीके से तो पहुंच ही जाएगा। गुरु महाराज ने मुझको जो कुछ बताया है और जिस हिसाब से आदेश दिया है उस हिसाब से पूरा काम हो रहा, मुझको कोई टेंशन वंशन नहीं है। तो ये जो राम नाम के हीरे मोती जिन्होंने लूटा है वो तो माला माल है, और जो माया के बने पुजारी आखिर में, तो उसको हम नहीं कहना चाहते। और यहां माता रानी महामाया सब की दया कृपा है, किसी की दया कृपा से कोई खाली ही नहीं है। अब हमने सुना कि लोग कह रहे हैं फला जगह जाएंगे तो बरकत मिलेगी, अरे देने वाले तो गुरु महाराज थे, उन्होंने कई बार कहा कि देने वाला इधर बैठा है, इधर देने वाले ये इधर बैठे हैं, अब भंडारा आएगा गुरु दादा महाराज का, बरकत के चावल रखे जाएंगे, जो गुरु महाराज का आदेश है तुम्हें बरकत मिलेगी, उसको दिया जाएगा, आप ले जाओ घर में बरकत होगी, और जब देने वाला हो गया नहीं तुम्हारे पास चाहे कितना भी जाओ कोई हरकत बरकत नहीं होगी। तो देते रहो इस हाथ से, गुरु महाराज ने कहा इधर से निकालो इधर खर्चा करो, इधर से निकालो इधर डालो, इधर से निकालो इधर डालो, तो ये भरता रहेगा। अब अगर इसमें से निकल के बाहर आने लगा तो दूसरे ने देखा कहा बस नीचे से काट लो, तब पूरी जब जेब साफ हो जाएगी तो क्या होगा। शतमाना चला सत के देशा, शतमान चला सत के देशा, छोड़ा अपना देश विदेशा, छोड़ा अपना देश विदेशा। सत्य का जो मन था वो एक तो अपना देश छोड़ के आया, फिर विदेश में आ गया, फिर विदेश से जब सद्देश की याद आई सदगुरु ने बताया तो फिर सद्देश की तरफ उसने लगन लगा दी, अब सद्देश की तरफ जाएगा।
सुखमन राज ब्रह्म पद राजे सुखमन राज ब्रह्म पद राजे मधुर मधुर डप गुरु की बैठक है प्रेमियों, जो स्वामी जी महाराज की बैठक है वो भड़क शिला पे। यहाँ पहले घटपट पे दर्शन होंगे, फिर अंदर चढ़ जाओगे तो ब्रह्म में होंगे। जब ब्रह्म में होंगे फटक शिला पर, वहां ब्रह्म पर गुरु की 24 घंटे बैठक, 24 घंटे की बात है। आओ जाओ। और बहुत लोग तो कहते हैं जब बोला बाप रे बाप, आप तो हमारा कान फटा था, अभी सर भी दब जाता। और जिसको नहीं बोला तो कहते क्या बेवकूफ बना रहे हो, ना कभी कुछ बजता है और ना कभी बजा। ऐसी लागी लगन नीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुन गली गली गानी गई। ये भैया कौन सी ऐसी लगन लगी थी, ऐ प्रेमियों कौन सी ऐसी लगन लगी थी जो मीरा मंगन हो गई, जगत से कोई मतलब ही नहीं रहा, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहा, हरि के गुण को गाने लगी, अपने गुरु नाम का प्रचार करने लगी। और मीरा ने नाम भी दिया है कई सुरतों को पार भी किया है, ये गुरु महाराज ने बताया है। अब तो जो ऊपर जाएगा वो मीरा से मुलाकात करके आएगा। तो प्रेमियों कुछ ऐसा यत्न करो, कुछ ऐसी लगन लगाओ कि तुम भी मीरा की तरह ही बन जाओ। अरे पुरुष लोग मेरे भाइयों, ये मत समझो कि तुम भी मीरा हो जाओगे। ये सूरत तो सीता और राधा और मीरा है ही, ये जो सूरत इसमें बैठी है उसको यहाँ कहा जाता है सूरत और स्वामी, सीता और राम, सीता सूरत को ही कहा जाता है ये अध्यात्म में। यहाँ तो सबके पास ये सूरत है, सीता है, और सबको राम की प्राप्ति करनी है। तो राम की जब प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तो राम राम गाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई गुरु सदगुरु करना ही पड़ेगा। बिना सदगुरु गुरु के तो कुछ होना नहीं है, जब बिना गुरु सदगुरु के कुछ नहीं होना है तो उसकी खोज तुम्हें करना ही होगा। मिल गए सतगुरु कट गए फंदे, मिल गए सतगुरु कट गए फंदे, हो गए राम नाम के धंधे, हो गए राम नाम के धंधे। जब सतगुरु मिल गए फंदे कट गए, समझ आ गई क्या है मानव का जीवन, किस तरह से नाम भजन करना है, किस तरह ऊपर चलना है, किस तरह नहीं चलना है। अब राम के यहाँ तो गए, खूब बाजा सुना, खूब जो है उसको सुना, घंटा संख राम का दर्शन किया। अब ब्रह्म पर गए तो ब्रह्म पर अब सदगुरु के भी दर्शन किए, गुरु के और ब्रह्म के भी किए, त्रिवेणी में स्नान भी किया, सब कुछ किया। और उस अंड की रचना में जितने गणेश महेश दिनेश सुरेश ब्रह्मा विष्णु जो भी देवी देवता था और उसमें थे, इधर उधर पूरे का साक्षात्कार किया। कुछ भी बाकी नहीं रहा जिसका साक्षात्कार नहीं किया। पर प्रेमियों भी क्या रहा बाकी, अभी जो है सूरत जीवात्मा को फुर्सत नहीं मिली है। पिंडी अंडी ब्रह्मांडी, अभी अंड में ही है। उधर मांग तब अंड जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं ही नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने भी लिखा है।
वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, बहुत जगह लिखा है, सभी संतों ने बताया कि उधर में ये है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ओम, ये जो अन्न की बिंदी है वो ब्रह्म है। ओम, ये नीचे की चीज है, नीचे भगवान जी के साथ जोड़ा जाता है। सत ओम सत्यनारायण स्वामी जन पाता करणा। अभी आगे कथा कर इस तरह की सुनाने लगेंगे तो कहेंगे पंडित जी महाराज कुछ अभी दक्षिणा भी मांगेंगे। तो प्रेमियों, वो जो ब्रह्म अरे प्रेमियों, ये जो मैं बोल रहा हूं, जो दूसरे धाम के मालिक का उच्चारण कर रहा हूं अंदर में, इसको करते करते भिड़ंगी अपना परिवार बढ़ा लेता है, अपने सामान नया बना लेता है 24 घंटे के अंदर में। और आप इतने घंटे लगे हैं, आपके पास कितने घंटे हैं, कितने घंटे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। अरे अपने सामान ना बनाओ तो आप कम से कम खुद तो जाओ, खुद तो वहां पहुंचो, खुद तो उस चीज को देखो और ब्रह्म ऋषि हो जाओगे तो क्या है, बड़ा मजा आएगा। प्रधानमंत्री भी जाएंगे, तमाम मुख्यमंत्री तुम्हारे पास पहुंचेंगे क्योंकि आप तो ब्रह्म ऋषि हो गए। देश दुनिया वाले आएंगे कि ब्रह्म ऋषि हैं, इनके पास दया दुआ शक्ति पावर इधर उधर की सब कुछ जानकारी सब कुछ मिलेगी, दया दुआ देंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। नाम तुम्हारे होगा कि नहीं, काम तुम्हारे होगा, ब्रह्म ऋषि हो जाओगी पक्का। पर मुक्ति नहीं मिलेगी, ब्रह्म ऋषि जरूर ब्रह्म पद पर जाओगे अपना आराम से। भगवान नारायण नारायण हरे हरे, तो वहां जाओगे जरूर, जैसे नारद जी भगवान नारायण हरे हरे करते हैं उसी तरह तुम भी ओंकारा का जाप करोगी। पर वहां सतगुरु है, जिसके साथ सतगुरु लगा हुआ है उसको आराम तब तक नहीं है जब तक वो निज घर नहीं पहुंचेगा। ना उसको आराम है, ना उसके गुरु को आराम है, उसके सदगुरु को भी आराम नहीं है, क्योंकि उसने कॉल किया, उसने वचन दिया हम चलेंगे, बाद में कहा। देखो एक बार की बात है, गुरु महाराज बताते थे कि नानक जी आए, उन्होंने बहुत से जीवों को नामदान दिया, जब जाने लगे तो अपने सारे जीवों की छटनी कि भैया किधर किधर है, इधर आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सबको जब गिनती की तो एक का पता ही नहीं। उन्होंने त्रिलोक में देखा कहीं पता न चले, कहा बड़ी झंझट है कहाँ चला गया, स्वर्ग लोग वैकुंठ लोग ब्रह्म लोग पारब्रह्म लोग इधर उधर कुछ पता ही नहीं, कहाँ घूमने चला गया। और वो बेचारा क्या है, वो बेचारा नरक में चला गया। अब कहा नरक के लोग बचा उसे भी देख ले, अब वो नर्क लोग में गए, अब उसमें ऊपर नीचे कहा ये तू यहाँ क्या कर रहा, चल निकल। अरे गुरु महाराज बड़ा आनंद है यहाँ, अब हम जाएंगे ऐसे नहीं। तो कहा फिर कैसे जाएगा, कहा अब हम क्या बताएं, हमको इनसे सबसे प्रेम हो गया, इनको सबको ले चलो तब तो हम जाएंगे, नहीं तो हम तो गुरु महाराज नहीं जाएंगे। अब क्या करें, वचनबद्ध थे, नानक जाए अंगूठा भूरा और सब जीवों का किया निवेरा, सारे जीवों का उद्धार कर दिया। पहले 24 प्रकार के नरक थे, अब 22 प्रकार के हैं। किसने बताया, संतों। पहले 24 प्रकार के थे, अब 22 प्रकार के। 22 प्रकार के नर्क, एक नर्क को जनक जी ने सुखा दिया, दूसरे नरक को नानक जी ने सुखा दिया। तो बताओ एक भी जीव छोड़ा उन्होंने, अरे निबेरा में तो पूरा जितना खचा खच भरा रहा होगा
पूरा सा। अब जो थे थे और जो नहीं थे वो भी थे, जो नहीं थे वो भी थे। अरे भैया काले काले जो तो थे वो थे, जो नहीं थे वो भी थे। फिर प्रेमियों अब जीवों का निबेरा तो होना ही था, तो हो गया। तो प्रेमियों अब यहां समझने की बात है, बहुत धैर्य से सुन करके और बहुत समझदारी से काम लेना। ये जो राम नाम के हीरे मोती हैं, ये जो गुरु नाम के हीरे मोती लूटने वाले हैं, अगर गुरु महाराज चले गए होते तो एक भी यहां पर बंदा बचता नहीं, वो भी चला गया होता, या तो धीरे धीरे करके वो जाते रहते। प्रेमियों साधना करो, साधना में देखो कि उनका 10 साल पहले शरीर छूटा है, 20 साल पहले शरीर छूटा है, और जब गुरु के दर्शन को जाओगी तो पूरी महफिल बैठी हुई है। तो अभी यही है, उनकी एक जगह बैठक है, मैं बताऊंगा नहीं, अगर तुमको जरूरत हो तो पता लगा लो। वो बैठक है और कहीं कभी गुरु महाराज आते हैं तो लाखों की संख्या में वो सब लोग होते हैं। कोई भूत नहीं होते, उनके पैर पीछे होंगे आगे होंगे। अरे जो देव स्वरूप हो गया वो कैसे है उसका आगे पीछे, तो आगे ना आगे रहेगा पीछे कैसे होगा। प्रेमियों एक भी अगर शिष्य अड़ जाए और किसी के गुरु ने शरीर छोड़ दिया, जो समरथ संत पुरुष अनामी हो सतनामी हो, अगर शरीर छोड़ दिया है उधर और एक भी शिष्य अड़ गया, क्योंकि वो अंतर घट में जिसका बाजा बजता रहता है, जिसे दिखाई सुनाई पड़ता है, नाम शब्द उतरता है, उसके पास तुरंत करंट पहुंचता है और तुरंत सूचना पहुंचती है कहां नहीं जाना। आप इस काम को किए बिना नहीं जा सकते, फिर वो नहीं जा सकता। उसे चाहे 100 कपड़े बदलने पड़े, 200 कपड़े बदलने पड़े, लेकिन जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हो जाएगा। तो उसमें से कोई बिरला ही होता है जो ऐसी बात करता है। नियमाधीन यहाँ की दुनिया, नियमाधीन यहाँ की दुनिया, शाबाशत गुरु की बात को गुनिया, शाबाशत गुरु की बात को गुनिया। यहाँ नियम के अनुसार दुनिया है, प्रभु राम के बनाए हुए नियम के अनुसार ही सारा काम होता है, उसके विरुद्ध नहीं, समझौता करना पड़ता है, समझौती करनी पड़ती है, तब वो काम होता है। अगर कुछ करना है, देखो किसी चीज का रजिस्ट्रेशन होना है, कुछ करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, तब उसका प्रचार प्रसार होगा, तब वो चीज होगी, वरना लाओ कहां का लेसन है, कैसे है, क्या बात है। तो राम से संस्कृति जरूर करनी पड़ेगी, और ये मुनियों का काम है, मुनियों का, संत सदगुरु स्वामी का काम है, साधक का भी काम है, वो भी कर लेता है। साधक को छोटा मोटा मत जाना, वो भी संस्कृति कर लेता है, अगर राम से चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। जब ब्रह्मऋषि कुछ भी करवा सकता है, त्रिकालदर्शी कुछ हो तो साधक है, वो नीचे से ऊपर तक जाता है, उसको सब कुछ पता है, और वो भी जानते हैं कि ये उधर वाला है, उस दरबार का दरबारी है, जो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा तो उन्हें तुरंत
उसपे दस्तखत करना पड़ेगा। देखो सतयुग आ गया, किसी के बहकाए मत रहना कि सतयुग नहीं आया, सतयुग आ गया, इस धराधाम पे विद्यमान है, केवल उसके काम होने बाकी हैं। लेकिन राजा तो हमारे रघुराई प्रभु राम है, राज्य उनका है, आदेश भी उन्हीं का होना चाहिए। और सबसे पहले सेनापति चाहे राजा राम बने रहे, नल नीलंगद जानवंत हनुमंत लक्ष्मण भरत सुग्रीव को भेज दें, और चाहे स्वयं जाए काम, तो सेना नायक तो उन्हें बनने पड़ेगा, या कहना पड़ेगा भाई अब तुम जाओ कर लो कराओ, बगैर राम राज्य तभी तो होगा। अरे प्रभु धनुष बाण लिए तुरंत दौड़े थोड़े चले जाते हैं, अरे पहले तो जो सेवादार होते हैं उनका काम आता है। प्रेमियों, मैंने कलयुग महाराज से बातचीत की, अब बड़ा अचरज हो रहा आप लोगों का, मैंने कलयुग जी महाराज से ऐसी बातचीत की है उसको गुरु महाराज और मैं ही जानता हूं, तो राम जी ही जाने कैसे क्या होगा। अब राम जी जाने या गुरु महाराज जी जाने, हम जी नहीं जानते जी, क्योंकि हम तो बात करके भूल जाते जी। इधर आजमगढ़ है, आजमगढ़ में जब जाओ तो बड़ी मीठी बोली बोलते हैं, तो जब मीठी भाषा में कहते हैं अरे गुरु महाराज आइले होते तो हम दर्शनिया कह ले लेते, तो हम जब सुनते हैं तो हम कहते गुरु महाराज गए कहाँ, अरे अंतर में खोजो, अंतर में तब तक दर्शन करो, जब बाहर से आएंगे तो बाहर से भी कर लेना, जब अंतर में प्रैक्टिकल रहेगा तब तो बाहर पहचान लोगे, नहीं तो तुमको फिर वो संकेत पति नहीं। वैसे प्रमाण तो सबने दिया, प्रमाण वो भी देंगे, लेकिन आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। राम की सेवा सतगुरु मेवा, राम की सेवा सतगुरु मेवा, राम जी की सेवा सतगुरु की मेवा। जब राम जी की सेवा करोगे तो सतगुरु की मेवा अवश्य प्राप्त होगी। प्रभु ने गुरु महाराज ने यही तो बताया है कि त्रिलोक के त्रिलोक पति प्रभु राम खुश हो जाए, राम देश से पार हो जाओगे, ब्रह्म खुश हो जाए, ब्रह्म देश से पार हो जाओगे, पार ब्रह्म खुश हो जाए, हरि खुश हो जाए, हरि देश पार कर जाओगे, महाकाल पुरुष खुश हो जाए, चलो वो भी पार हो गया, सद्धाम पहुंच गए, तब तो सदगुरु का देश ही है, आराम से जाओ आओ। पर वहां भी पूछेंगे ए लड़ो किसने भेजा, कैसे यहाँ आए, किसने भेद बताया, तो गुरु महाराज वाला तो किन दिखाना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। प्रेमी हो, एक काल की चक्री होती है, कई प्रकार की चक्रियां होती हैं, सभी देवी देवताओं के यहाँ कुछ ना कुछ संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं के अनुसार वहां जिसने जिससे संतुति कर ली बस वहीं का वो हो गया। मैंने प्रभु राम से कहा हे प्रभु दया करो ये भाती, सब तन भजन करो दिन राती, और सतगुरु चरण रेणु अनुरागी सब विद्या अंतर में। अगर सतगुरु का मैं रेणु अनुरागी बन जाऊंगा तो सारी विद्या अंदर में जाग जाएंगी, आपको भी जान जाऊंगा, और अगर सतगुरु की दया में रहूंगी तो सब कुछ जान जाऊंगा। और अगर मैं मांग लेता कि प्रभु राघुराई बनाए दियो ठाकुर, तो हम ठाकुर बन जाते। अरे घर चटपट होते हो, किसी ठाकुर के यहाँ जन्म लेते, यही सोचते होंगे आप, अरे ठाकुर उसको कहते हैं कि बढ़िया धन माया माल खजाना गाड़ी मोटर, तो ठाकुर उसको भी, और ठाकुर भगवान जी को भी कहा जाता है, ये भी समझ लेना, ठाकुर जी
इस भगवान को ठकुराई जी कहा जाता है। तो प्रेमियों, छोटी सी वंदना आराधना प्रार्थना हो जाए। आप लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा सत्संग सुना है, अब कल भी आपको सुनाएंगे, बच्चों भी आपको सुनाएंगे, रोज तो सुनाते रहते हैं। तो इस व्रत त्रिलोक से सत्यलोक जाना, जब तक सत्यलोक नहीं पहुंचेगी तब तक कोई काम नहीं बनेगा। एक चीज आपको और बता देता है, कर्म बीज जब जले तुम्हारे, कर्म बीज जब जले तुम्हारे, अंदर घट हो उजियारे, अंदर घट हो उजियारे। जब तुम्हारे कर्म बीज जल जाएंगे, कहां जलेंगे? मानसरों में स्नान करने से पार ब्रह्म पर कर्म बीज खत्म हो गए। अब उजियाला ही उजियाला है, अब तुम्हें जाना ही जाना है। अब इच्छा करोगे कि जाना है तभी तो जाओगी, नहीं तो हरि का देश है। अनुपमा उत्तम और अलौकिक, हरि का देश है, बड़ा सुंदर मनमोहक। अच्छा ठीक है प्रेमियों, बड़ा सुंदर मनमोहक। अब ये जो सब सुनाते हैं, इसके लिए गुरु महाराज से भी कहेंगे कि मालिक आपने भी खूब सुनाया, और मैं भी जो समझ में आता है आप बतलाते उसको सुनाते हैं। जरा इनको सबको खूब दिखाओ, घना घोर ये चिल्लाने नहीं, और मुझे जो दिखा दिया बस उसी में संतोष है। थोड़ा थोड़ा मुझको भी दे दिया करो, ज्यादा ज्यादा इन लोगों को दे दिया। तो सद्धाम ही चल रहा है, शतमत में ही रहना, अध्यात्मवाद में ही रहना है, अध्यात्मवादी ही बनना है। देखो ज्यादा खाओगे तो इस समय तो नवरात्र के माता रानी का दिन है, व्रत रहेंगे, भूखे रहेंगे, हंसना मत प्रेम। लेकिन माता रानी का व्रत रहे, सुबह नहाया जल्दी से चटपट, सुबह होते होते नहा लिया फटाफट, पांच अगरबत्तियां ठोका, माता रानी की जय या भगवान जी की जय जय कर करे, अलवा चूर गए, छौ के बघार गए बन गए। अरे इधर जय की उधर अलवा में मन लगा कि दे गटाकट दे फटाफट, दे गटाकट दे फटाफट। अरे भाई गुरु महाराज तो बताते थे उपवास रख पाओ तो रखो, महीने में एक दिन रह जाओगे उपवास तो डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। उपवास रह सको तो रहो, ना रह सको तो सौ बार भूख लगे तो सौ बार, पर सच्चे मन से भजन करो, सच्चे मन से प्रभु की आराधना करो, वंदना करो, खाओ रोज खाओ, जितना भूख लगे उतना खाओ, जितना प्यास लगे उतना पानी पियो, और जितने कपड़े पहनना चाहो उतना पहनो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर भजन करो। तो भजन करोगे, भजन करोगे, करेंगे, कोई नहीं बोलता, करेंगे करेंगे, कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, करेंगे तो नहीं बोलता, करेंगे करेंगे। और यही हाल है, गुरु महाराज ने कहा बोलो जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव बोल दिया सभी। उसके बाद में स्वामी महाराज ने कहा राधा स्वामी जय गुरुदेव, कोई नहीं बोला, फिर जय गुरुदेव, तो रट्टू तो मत बनो, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो। अभी वो आएंगे तो वो भी कहीं, पहले वो जय गुरुदेव को ही लेकर के आएंगे, वो जय गुरुदेव है तो जो गुरुदेव को ही लेकर के आएंगे, बाद में वो टैग ठोकेंगे, तब जब बोलेंगे वो क्यों बोलो सतगुरु जय गुरुदेव, तब भी तुम कहोगे जय गुरुदेव, तो बोलना तो पड़ेगा ही, आज नहीं बोलोगे तो कल बोलोगे। और जो चक्की है ना वो चालू हो चुकी, धा 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 धा, अब उसमें पट्टा चढ़ चुका है। ये बताओ इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़े बड़े देश, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, थाईलैंड, हॉलैंड, कालैंड, एक से एक भारत से बहुत बड़ा, आंखें निकाल सकता हूं रूस, जर्मनी, कनाडा, कोरोना के आगे सब मना जाए। जिस दिन से कोरोना महाराज चीन से आए, सबके हाथ पैर ढीले हो गए, चीन महाराज चुप्पी साधे बैठे।
वैसे भारत महाराज में तो आध्यात्मिक शक्तियों की दया कृपा है, आध्यात्मिक देश है, संत महात्माओं का प्रभु राम कृष्ण का देश है, यहाँ तो वातावरण ठीक ही है, कोई गड़बड़ नहीं। अब भाई जिसे जाना है उतने जा रहे, अब वो हम ये तो कोई डॉक्टर तो है नहीं जो हम उनकी जांच करते हैं कि वो कोरोना से जा रहे हैं या दवा। और परसेंटेज में तो मुझे समझ में आ रहा है कि जितने रोज जाने चाहिए भाई, किसी को हरी है बीमारी है ये है वो है तो वो जा रहे हैं तो, और आ भी रहे हैं, ऊपर से आ रहे कि नहीं। जब से लॉकडाउन खुला हुआ है ऊपर से आ रहे और जा भी रहे, और जब लॉकडाउन था तब भी आ जा रहे थे, और जब नहीं था लॉकडाउन कोरोना मारा नहीं थे तब भी आ जा रहे। और कोरोना की कोई दवाई अभी तक रोने है, कोरोना की कोई दवाई नहीं। दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, और हैंड वॉश हमारी तुम्हारी मजबूरी। पर ये जो बैलों को पहले मोहरा लगता था कि कहीं किसी के खेत में मुंह ना मार दे, उसी तरह हमारे तुम्हारे वो लग गया मास्क मोहरा कि कहीं उधर से महाराज जी अटैक ना कर दे। तो प्रेमियों हर जगह सावधानी, तो सावधानी से भजन कर लो। किसी भी प्रेमी को जो भजनानंदी होगा, सतगुरु को हाजिर नाजिर मानता है, सतगुरु जय गुरुदेव बोलता है, उसको किसी को कोरोना महाराज नहीं होंगे। बिना प्रभु राम के हुक्म के यहाँ कुछ होता होता नहीं है। और मैंने कई बार कहा, सबसे अपने प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से, कि प्रभु की संतुति प्रार्थना और संतों से सलाह, बड़े बड़े संत महात्मा जिससे हो उससे सलाह कर लो, मशविरा कर लो, वो बताएंगे बैठ करके योग साधना में कि ये इसकी दवा। और चाहो तो मेरे सदगुरु को आवाज लगा लो, परम संत बाबा जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव महाराज को अंदर अंदर बैठ करके आवाज लगाओ, खुद ही बताएंगे तुमको। मेरा तो काम यही है, मैं तो निवेदन करता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, देश तो देता नहीं तो हो सकता है। वैसे प्रभु जी से तो रोज में निवेदन करता है, प्रभु दया करो, सब पर दया करो। ये थोड़ा है कि एक ही पर कहता हूँ कि एक पर दया करो, देश पर भी दया करो, विश्व पर दया करो, समाज पर दया करो, सब पर दया करो। पर दया तो उतनी होगी जितनी तुम्हारे खाते में जानी। अब देखो प्रेमियों, एक भिक्षुक उसने झोली बनाई, जब झोली बनाई तो जब उसने झोली बनाई, झोली तीन तरीके की बनाई, टंगना एक, पर्दे तीन उसमें, तो उसने सोचा इधर वाला उधर न चला जाए, उधर वाला उधर न चला जाए, उधर वाला उधर न चला जाए। पर कभी गेहूं मिलता तो डाला, गेहूं वाला ये है, भूल गया तो चावल वाले में गेहूं, आटे वाले में दाल, दाल वाले में गेहूं, इसमें वो उसमें वो, यही तरह डालता गया। घर में पहुंचा के है राम, तीन प्रकार का बनाया था और बाकी कहा था ज्यादा ज्यादा पांच प्रकार का मिलेगा, गठिया लेंगे, और ये तो हमने सब मिक्सर कर डाला। ते भैया पांच प्रकार की झोली मत बनाओ, एक अनि अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा को ही रहने दो, एक ही झोली, एक झोली से सबका काम चल जाएगा। दस बीस झोली रहेगी तो काम नहीं चलेगा। सत्य गुरु जय गुरु, सुनहु सूरत सन जामाई स्वामी, सुनहु सूरत सन जामाई स्वामी, कोटि जन्म तुम भटका खानी, कोटि जन्म तुम भटका खानी, अब तुहे माए हो बुलावन आया।
अब क्या बाकी रहेगा या भाई, अब क्या बाकी रहेगा भाई। माना मतंग मानता नहीं स्वामी, मन मतंग मानता नहीं स्वामी, मोह ममता से कह रहा है वो अपने स्वामी से कि हमारे साथ ये हो रहा है, आप तो समझा रहे हैं पर ये हमको छोड़ नहीं रहा, और जब छोड़ नहीं रहा तो हम चल नहीं रहे। तो प्रेमियों जरा मोह ममता कम करो, मन बुद्धि चित्त को समझाओ, अपने सदगुरु से कहो कि ये मन बुद्धि चित्त का मसाला आपका दिया हुआ है, आप दया कर दो हमारा मन बुद्धि चित्त रुक जाए। तो प्रेमियों अब चरण वंदना गुरु की हो जाए, और काफी समय हो गया 4-5 घंटे, तो आप लोग लगे ही रहते हो कितना आपको बैठाएं, और हम भी कितना बैठे, हम भी सीताराम सीताराम किया करते हैं। अरे वही सतगुरु नाम सीताराम, क्योंकि पब्लिक तो अगर सीताराम नहीं कहेंगे तो उनके समझ में आई भी नहीं करेगा कि यह तो राम का नाम ही बदल दिया है। आप लोग समझ सकते हो, थोड़े समझ सकते हैं। तो सीताराम सीताराम गुण गाओ, हरि को मनाओ, और प्रभु के देश को चले चले। सतगुरु चरण वंदना तोरी, सतगुरु चरण वंदना तोरी, नाम भजन मेरो मन जावे, नाम भजन मेरो मन जावे, उमर बची है थोड़ी, उमर बची है थोड़ी, सतगुरु चरण वंदना तोरी, सतगुरु से ऊपर बहुत है, यही सवा से ऊपर बहुत है, देश नाम की डोरी लेके, नाम की डोरी, सतगुरु चरण बंदना तोरी, सतगुरु करो सतगुरु मोरे स्वामी, दया करो सतगुरु मोरे स्वामी, विनय करूं कर जोरी, विनय करूं कर जोरी, हम में भी क्षमता आ जावे, हम में भी क्षमता चरण बंदना तोरी, सतगुरु